दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मियों, सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, रेलवे विभाग, डाक विभाग और केंद्र के सभी विभाग या स्टेट के सभी विभाग, जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें काम करने वाले लोगों के कानूनी अधिकार की और वो कौन कौन से मामले हैं जिन मामलों में आप अब अपील नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से देश का कानून बदल चुका है। देश में 3 नए कानून लाए गए हैं और उनके साथ उनकी प्रक्रिया और कानून का तरीका बदल चुका है, तो जानते हैं इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश के अंदर नया कानून लागू हो चुका है और जैसे ही ये कानून लागू हुआ फिर कुछ मामलों में अपील होने भी बंद हो गई, यानी कि कोर्ट का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला माना जाएगा। आपको चाहे अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, आप उसकी जगह पे अपील नहीं कर सकोगे। तो कौन कौन से मैटर्स मामले हैं जिनकी अपील नहीं होगी, क्या ये नए वाले रूल, नए कानून पुराने कानून के ऊपर भी लागू होने होंगे, यानी कि पहले जो मैटर चल रहे हैं क्या उनके ऊपर भी ये लागू होंगे, इम्पोज्ड होंगे, या फिर इनका कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं होगा, तो सारी बातें जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपका केस हाईकोर्ट में चल रहा है और अगर हाईकोर्ट में आपको कोई सज़ा दी गई है, तो वो सज़ा आपको 3 महीने की जेल या फिर किसी को भी 3 महीने की जेल दी है या फिर कद 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है, तब इस फैसले के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। अगर हाईकोर्ट का मैटर है तो सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं लगा सकते अगर आपको इतनी सज़ा मिली है। तो नए कानून के तहत आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, 1 जुलाई 2024 के बाद जो कांड होंगे या उनकी FIR जो दर्ज होगी उसके बाद उन्हीं के ऊपर नया कानून लागू होगा, पहले वाले जो केस चल रहे हैं पुराने केसों पर ये कानून लागू नहीं होगा, बल्कि पुराने जो मामले हैं वो अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करे जाएंगे जैसे कि वो चलते आ रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से कोई नया कांड होगा उसके ऊपर जो FIR बनेगी या फिर NCR बनेगी उसके ऊपर लागू होगा। और मैं आपको चेंजिंग भी बता देता हूँ, देखिए आपने IPC सुना होगा, इंडियन पेनल कोड, वो बन चुका है BNS, भारतीय न्याय संहिता। आपने CRPC सुना होगा, CRPC था क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, अब ये बन चुका है BNS, SBNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और आपने एविडेंस एक्ट सुना होगा और वो एविडेंस एक्ट अब बन चुका है BSC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीनों ही 2023 के मॉडल हैं और ये जो थे ये 1860 के मॉडल थे जो पुराने मैंने बताए हैं। अब ये कानून जो हैं देश में बदले हो चुके हैं और इन कानूनों के बदलने के साथ में कानून की प्रक्रिया बदल चुकी है, कानून में अपील के प्रोसीजर्स बदले हो गए हैं, अपील किन पे होगी किन पे नहीं होगी वो बदले हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मैं अतरLB चैनल के माध्यम से कानूनों के बारे में भी अपडेट करता रहूँगा, वीडियोस को सपोर्ट करें। कानून के वीडियो मुझे पता है हो सकता है आपके यहाँ कम चले हैं हमारे इस चैनल पर, लेकिन फिर भी आप लोगों का बड़ा मैं आभारी रहूँगा यदि आप इसको सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि अगर हाईकोर्ट ने इतनी सज़ा दी है ना, आप उसकी अपील चाह के भी नहीं कर पाओगे इसके अलावा, लेकिन अगर आपका मैटर सेशन कोर्ट में चल रहा है, किसी भी सेशन कोर्ट में चल रहा हो, तो कानून ये है कि पूरे भारत पर लागू हो जाएगा। भाई अगर आपकी बिहार की सेशन कोर्ट है, महाराष्ट्र की सेशन कोर्ट है, आपकी कोई चेन्नई की सेशन कोर्ट है, हरियाणा पंजाब की सेशन कोर्ट है, तो आपको 3 महीने तक की सजा देती है, 1000 रुपये तक जुर्माना देती है। ऐसे केस में आप चाह के भी अपील नहीं कर पाओगे।